पॉलिटिक्स हम आपके कुछ लोग आउट ऑफ डेमोक्रेसी पे देख लेंगे, कुछ खास नहीं। बाकी जो थे उनको नहीं हुआ होगा अभी इकोनॉमिक्स में, जो नया है अभी नया था वो डरे बोले। चलिए तो देखते हैं हिस्ट्री शुरुआत करते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर थर्ड देखिएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। देखिए नेशनलिज्म इन इंडिया थोड़ा सा चैप्टर बड़ा आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। यूरोप नहीं आ रहा है, यूरोप आएगा बट अभी नेशनलिज्म पहले पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, तीन स्टेज पढ़ने, तीन आपका मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा सत्याग्रह, दूसरा आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और तीसरा आपका सेवन डिसोबेडिएंस। बस यही तीन मूवमेंट के ऊपर आपको अडॉप्टिव करना है, और पूरा जो ये हिस्ट्री आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो आपका बेसिकली 1960 से लेके, ठीक है, 1932 या 33 के आसपास तक ही रहेगा। इससे ज्यादा का इसमें आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव अगर आप बाद में पढ़ना है या आप फ्यूचर में पढ़ेंगे तो जो ये आपका इंडिपेंडेंट कहलाता है, द एज ऑफ महात्मा गांधी, वो आपका 1960 से कहलाता है 1948 तक, ये जो एज कहलाता है महात्मा गांधी का एज कहलाता है। तो उसमें सिर्फ आपको तीन चीजों को पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है सत्याग्रह कॉज कहाँ पे हुए थे इम्पैक्ट, ठीक है। दूसरा नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसमें भी आपका कॉज, ठीक है, इसका मोटिव्स, इनके व्यूज क्या क्या थे, इसका रिजल्टेंट क्या, ठीक है। और तीसरा आपको पढ़ना है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में भी आपका सिर्फ वही चीज पढ़ना है कि इसके पीछे का थॉट क्या था, व्यूज क्या हुए, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा वही डेराइव करके पढ़ना है। और इसके बीच में अगर कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं, जैसे रॉलेटेक, जालियांवाला बाग, मिसर, ये साइमन का मिसर, ठीक है, उसके अलावा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो इसके बारे में आपको पढ़नी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आप पढ़ेंगे वो था आपका सत्याग्रह, ठीक है। कौन सा पढ़ना है, सत्याग्रह। तो देख सकते हैं सत्याग्रह की हम लोग बात करेंगे तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है तीन सत्याग्रह से, आप देख सकते हैं बुक में 1917, 1918, ठीक है, और एक होता है 1918 में ही आपका दोनों था लगभग, 16 से आपका स्टार्टिंग होता है, ठीक है। बट आप बुक में देखें कि हर जगह अपना अलग अलग देता है, कहीं इसका 16 होता है, कहीं आपका 17 भी होता है, ठीक है। वही बात है 16 ही देता है, बट आप देख सकते हैं एनसीआई बुक में भी आपका 19 दिया होगा, सॉरी 17 दिया होगा, तो कहीं फंसता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 16, 17 और 18 तीन ही आपका एज होगा। और यहाँ पे आपके तीन सत्याग्रह हुए थे, सबसे पहला सत्याग्रह जो था वो था आपका चंपारण, ठीक है। दूसरा आपका सत्याग्रह था वो था खेड़ा, और तीसरा कौन था अहमदाबाद, ठीक है। क्लियर, ये तीन सत्याग्रह पढ़ने हैं। चंपारण सत्याग्रह किस लिए था, फॉर द इंडिगो क्रॉप्स, ठीक है, उसके अगेंस्ट में था। खेड़ा फॉर द पेजेंट्स इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन द गुजरात, और अहमदाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट ये होता है व्हाट इज सत्याग्रह, ठीक है। तो सत्याग्रह इज द थॉट इन विच महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट इफ यू आर द ट्रू एंड यू क्या उस कॉजेज आर ट्रू देन यू हैव नॉट नीड एनी टाइप्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट योर ऑपोनेंट, ठीक है। किसी भी तरह के आपके और वायलेंस ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जिससे आप अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए तीन उन्होंने मूवमेंट क्रिएट भी किए थे, और तीनों में उनको सफलता भी मिली, और इसी के साथ महात्मा गांधी का जो नाम था वो पूरे इंडिया में फेमस हुआ, ठीक है। यही आपका मेन टॉपिक है, इससे एक रिलेटेड, अब इसी से रिलेटेड एक टॉपिक आता है खिलाफत, ठीक है। तो खिलाफत में देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे आपका समाप्त होता है, ठीक है, तो वहां पे ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में थी वो हार चुकी थी, क्योंकि वो जो थी जर्मन के साथ लड़ी हुई, ठीक है। तो जर्मन जब हारी तो उनमें ऑटोमन एम्पायर भी उनके साथ था, तो उनको भी हार माननी पड़ी, और इनको एक ट्रीटी करनी पड़ी बाकी देशों के साथ। और ट्रीटी में क्या होता है कि ऑटोमन एम्पायर के जो हेड होते थे वो कौन होते हैं, खलीफा, और वही खलीफा के साथ बहुत ही गलत बिहेवियर हुआ था, जिससे कि पूरा मुस्लिम समुदाय जो था
अंग्रेजों के खिलाफ हो। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए दो लोग थे, कौन कौन से थे, शौकत अली और मोहम्मद। उन लोगों ने क्या किया कि अपने कंबाइंड कमेटी बनाई 1918 में, ठीक है, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी, मुंबई में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। और उनका मोटिव ये था कि हम अंग्रेजों के विरोध क्या करें, लड़े और विरोध करना शुरू करें। तो देख सकते हैं यहीं पे प्लॉट आपका क्या होता है कि 1919 में, ठीक है, आप देख सकते हैं दूसरा आप खिलाफत कमेटी भी स्टैब्लिश हो चुकी थी 1918 में, ठीक है। उसके अलावा महात्मा गांधी का भी आंदोलन शुरुआत हो चुका था। तो यहीं पे एक क्या होता है, इंसिडेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं रॉलेट, ठीक है। क्या होता है रॉलेट? तो ये रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट करने का मतलब ये था कि एक तरह का कानून ब्रिटिश के द्वारा बनाया गया था जिसमें ब्रिटेन को ये पावर दी गई थी या यहाँ के अंग्रेजों को पावर दी गई थी कि किसी के खिलाफ अगर सस्पेशन हो कि वो व्यक्ति पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट है तो विथाउट एनी टाइप्स ऑफ द लीगल अप्रोच, ठीक है, जैसे कि आप उसको जेल में डालना या उसके खिलाफ ट्रायल करना, उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता था कितने समय के लिए, 2 सालों के लिए, उस पर कोई भी प्रकार का ट्रायल नहीं होने वाला। तो इसी के चलते लोगों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया और अमृतसर में दो लोगों को वहां पे क्या किया गया था, कैद किया गया था, नाम तो शायद भूल रहे हम भी, ठीक है। तो उनके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, कुछ लोग जालियांवाला बाग में क्या थे, गैदर हुए थे, बैसाखी थी तो बहुत सारे लोग बैसाखी के कारण वहां पे जमा हुए थे, और कुछ लोग जो थे जो उनके मिल नेता थे सैफुद्दीन कुछ नाम आता है, ठीक है, उन लोगों को प्रोटेस्ट मतलब उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए वहां पे लोग गैदर हुए थे। उसी समय क्या हुआ था, जनरल डायर आया और जालियांवाला बाग में स्कैट, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपके अराइज करते हैं कि रॉयलेट एक्ट क्या होगा, ठीक है, जालियांवाला बाग इंसिडेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ चलता है, व्हाट इज द जालियांवाला बाग मैसेकर, क्लियर। इसके बारे में आपसे डिटेल में पूछेगा तो इसको आप सिंपल सी बात है कि स्टोरी टाइप में है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। अब जैसे ही आपका जालियांवाला बाग मैसेकर होता है तो पूरे इंडिया में क्या हुआ, अगेंस्ट में बहुत सारा विरोध होना शुरू होता है, लोगों ने बहुत ही वायलेंटली विरोध करना शुरू कर दिया। और लास्ट में 1919 के लास्ट में महात्मा गांधी ने एक प्रपोजल दिया कि वी हैव टू स्टार्ट अ मूवमेंट दैट इज कॉल्ड द नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो जैसे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की बात आती है तो सबसे बड़ी बात यह होगी ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हार गया या नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का क्या आइडिया, ठीक है। नॉन कॉपरेशन, देखिए जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2-3 चीज को देखना पड़ेगा कि इसका सबसे पहले आपको क्या देखना है, इसके पीछे का आइडिया क्या, ठीक है, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कौन बताएगा? नहीं, ये तो आपका सिंपल सा वर्ड हो गया कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, यानी हाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुड टू प्लेस। तो इसमें आपका आ जाएगा कि बाइकॉट गुड्स को बाइकॉट करना, फॉरेन इंस्टीट्यूट का बाइकॉट करना, इसके सबसे पहले देखेंगे इसका आइडिया क्या, महात्मा गांधी जी ने क्यों सोचा कि सही है और कोई यहाँ पे बात यह कि फॉरेन गुड्स की बात नहीं होगी, फॉरेन गुड्स उसका बाद में आएगा। सबसे पहले ये था महात्मा गांधी का थॉट कि हमारे यहाँ पे जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट है उसकी सबसे मेन रीजन हम लोग खुद हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया है जिससे कि वो क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे राज कर पा रहे हैं। तो इफ वी स्टार्ट द नॉन कॉपरेट टू द ब्रिटिशर्स देन दे हैव कोलैप्स विद इन द ईयर एंड द स्वराज शुड एस्टैब्लिश इन इंडिया। यहाँ पे दो वर्ड आता है, स्वराज भी एक वर्ड आएगा, अब ये स्वराज क्या, ठीक है, ये एक नंबर के लिए इम्पोर्टेंट है,
स्वराज इम्पोर्टेड, ठीक है। तो स्वराज कहने का मतलब होगा इट इज द सिचुएशन इन विच द लोकल पीपल हैव अ गवर्नेंस इन देयर एरिया, ठीक है। द आउटसाइडर्स इज नॉट अलाउड टू टेक गवर्नेंस, ठीक है। क्या फ्रीडम नहीं बोलेंगे यहाँ पे, स्वराज बोलेंगे। फ्रीडम कहने का मतलब कि वो आजादी, और स्वराज कहने का मतलब ये हुआ कि खुद का राज स्टैब्लिश हो जाना, यानी खुद हम अपने शासन करना शुरू करते। फ्रीडम कहने का मतलब क्या हुआ कि हम आपके ऊपर शासन कर रहे हैं और आपको आजादी है जो करना है वो कीजिए, वो स्वराज नहीं ना हुआ। नियम का तो मान के चलो ब्रिटिशर्स बनाना शुरू कर दिए और हमको फुल्ली आजादी है जो मन करे वो हम लोग कर सकते, ठीक है। तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि फ्रीडम है बट स्वराज नहीं है। जब हमारे लोग ही क्या करें, सत्ता में आ जाए या गवर्नमेंट अपना फॉर्मेशन करे, जो हम लोगों के बीच के लोग हों, ठीक है, हमारे लोकल पीपल हो, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि एक स्वराज का कंडीशन, क्लियर है बात समझ में। तो ये स्वराज आता है और इसके पीछे आइडिया, तो आइडिया सिंपल सी बात है कि यही लिखेंगे कि द महात्मा गांधी थॉट दैट इफ वी आर गोइंग टू नॉन कोऑपरेट टू द ब्रिटिशर्स देन द ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड वी वेट द सक्सेस, क्लियर। तो इसी को आइडिया में ध्यान रखते हुए क्या हुआ था, 1920 से एक मूवमेंट क्रिएट किया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो कहीं कहीं पे इसका नाम ये भी आता है नॉन कोऑपरेटिव खिलाफत मूवमेंट, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द नॉन कोऑपरेटिव खिलाफत मूवमेंट। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी का यहाँ पे ये भी थॉट था कि वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, ठीक है, सेपरेटली, लाइक अ हिंदू आर फाइटिंग अदर इन द अदर वेज, मुस्लिम्स आर फाइटिंग इन द अदर वेज, देन इट इज द वेरी इजी टू डिफेट देम। तो उन्हीं के थॉट से क्या किया गया था कि उन्होंने क्या किया, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश की। जब खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो रहे थे तो उनके लीडर से वो मिले, उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम साथ में मिलके ही क्या करें, एक मूवमेंट क्रिएट करें। और इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस का सेशन 1920 में होता है, ठीक है, कोलकाता सेशन, जहां पे ये एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है कि दोनों लोग मिलके क्या करेंगे, मूवमेंट करना शुरू करेंगे। और इसी को एक नाम दे दिया जाता है नॉन कोऑपरेटिव खिलाफत, क्लियर। तो अब यहाँ पे आता है व्हाट आर द, क्या उसको बोल सकते, इम्पैक्ट ऑफ द खिलाफत, सॉरी नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो कौन कौन से यहाँ पे इम्पैक्ट है, कौन बताएगा? Lawyers give up their legal practices, teachers leave up their school, students leave their government holding schools. चलिए, ठीक है, और कोई? बस वही है। यानी कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, आप देख सकते हैं, चार पांच पॉइंट होगा। सबसे पहला शुरुआत ये था टू गिव अप, क्या लिख सकते हैं, टू गिव अप टाइटल्स। सबसे पहला इंपैक्ट क्या था कि टाइटल को गिव अप करना, क्योंकि ये जो पदवी थी जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी वो हमको क्या करती थी, उनके लिए अंडरटेकर करती थी, उसके लिए हमको फोर्स करती थी कि हम उनकी बातों को ज्यादातर माने, ठीक है। जैसे कि कोई आपको कोई पदवी देता है तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आप उसके लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी इम्पैक्ट ये थी कि बहुत सारे जो यहाँ के जो बड़े बड़े पीपल्स थे उनको ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने क्या की थी कि कुछ पदवी दी गई थी, जैसे राय हो गया, राय बहादुर हो गया, केसरी हो गया, इस तरह से बहुत सारे टाइटल जो थे ब्रिटिशर्स के द्वारा लोकल पीपल को दिए गए। तो क्या किया गया था कि यहाँ के लोगों ने पहला इम्पैक्ट क्या किया कि टाइटल को इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया। दूसरा ये था कि बॉयकॉट करना, बॉयकॉट फॉरेजन, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट ये था कि जो फॉरेजिंग गुड्स थे उनको बायकॉट करना, ठीक है। यदि सिंपल सी बात है, फॉरेजन गुड्स जब यहाँ पे बिकते हैं तो इसका मतलब ये होगा ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ब्रिटिशर्स को जाएगा, ठीक है, और हमारे लोकल जो प्रोड्यूसर है उनको लॉसेस होगा। तो क्यों ना हम लोकल प्रोड्यूसर्स जो है, यहाँ के प्रोड्यूसर्स जो है उनको हम इंप्रूव करें या उनको इनकरेज करें उनके गुड्स को खरीदें, जिससे कि फायदा हो कि हमारे यहाँ के पैसे की जो आमदनी वो बढ़ेगी और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स को इकोनॉमिकली क्या होगा, घाटा होगा। दो कंडीशन हुए। तीसरा ये था कि जो भी आपके डोमेस्टिक गुड्स थे, स्वदेशी प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने की बात की गई थी, ठीक है। तीसरा ये था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन लोगों ने क्या किया, अपने अपने काम करना छोड़ दिया, यानी कि टू क्या उसको बोल सकते हैं, दे आर जस्ट अवॉइडिंग टू सर्विस अंडर द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट, ठीक है, लाइक इन स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, और अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक एडमिनिस्ट्रेशन और द क्या उसको बोल सकते हैं, वकील्स, लॉयर्स, दे ऑल गिव अप देयर ड्यूटीज और जॉब्स, ठीक है।
दूसरी बात ये कि जो भी यहाँ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी क्या करना शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेज छोड़ना शुरू कर दिया। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 1920 के लास्ट तक, ठीक है, जो महात्मा गांधी के द्वारा प्रपोजल किया गया था नॉन कॉपरेटिव खिलाफत मूवमेंट, ये बहुत ही जोर शोर से स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे दो तीन चीज आप एक नंबर में आप देख सकते हैं कि इस बार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुत सारे फैक्ट इसमें आते हैं, ठीक है। एक फैक्ट ये भी हो सकता है कि इन विच कांग्रेस सेशन द मूवमेंट ऑफ द खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट कंबाइंड किस कांग्रेस सेशन से हुआ था, ठीक है। 1920 में कितने कांग्रेस सेशन हुए थे, दो हुए थे। एक आपका हुआ था सितंबर में, ठीक है, जो कलकत्ता सेशन थे जहां पे नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था। और दूसरा एक ये भी था 1920 का दिसंबर कांग्रेस सेशन, ठीक है, नागपुर, जहां से उसको एकदम फाइनली कर दिया गया कि वी हैव टू फाइट विद द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दोनों बॉट आएगा, तो इसमें हम लिखेंगे कौन सा, तो सितंबर में, जहां से फाइनली ये अलाउड हो गया वी हैव टू कंबाइन विद द खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। तो देख सकते हैं जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे बस आपको एक ही टॉपिक पढ़नी है, ठीक है, जो इस नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों के बीच में क्या था, ठीक है। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का जो इम्पैक्ट है या बोल सकते व्यूज है अलग अलग जगहों पे क्या था, ठीक है। नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट तो स्टार्ट हुआ था बट कंडीशन ये थे कि जो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ है वो हर लोगों ने उसको कैसे अडॉप्ट किया, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है जो पांच नंबर के लिए सबसे ज्यादा एप्लीकेबल क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली देखेंगे यहां पे चार, ठीक है, तो चार लोगों के बीच का व्यू था। सबसे पहला व्यू जो था टाउन साइड में थे, ठीक है, दूसरा जो था कंट्री साइड था, तीसरा जो था आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स थे, एक आपका ट्राइबल्स भी इसमें जॉइन कर सकते हैं। तो ट्राइबल्स आप देख सकते हैं, प्लांटेशन ट्राइबल्स तो लगभग एक ही आता था बट इसको अलग अलग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चार जगहों के लिए, ठीक है। बेसिकली बुक में देखिएगा, एनसीईआरटी बुक में, तो कंट्री साइड और ये आपका ट्राइबल्स दोनों को एक साइड ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि आपका पॉइंट बढ़ जाएगा, इससे कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे टाउन में इसका इम्पैक्ट क्या था, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा बहुत जानकारी होगा ही। तो टाउन में जो थे इसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग था, ठीक है, जैसे कि उन्होंने फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना शुरू कर दिया, फॉरेन सर्विस को बायकॉट करना शुरू कर दिया, फॉरेन जो आपके स्कूल कॉलेजेस थे उसको भी उन्होंने बायकॉट करना शुरू कर दिया। तो एक देख सकते हैं कि आपका नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का एक गुड इम्पैक्ट, ठीक है, टाउन साइड में दिखाई दे, बट वहीं आप कंट्री साइड में ट्राइल्स या अपने ये प्लांटेशन वर्कर के लिए इसका इम्पैक्ट जो था एक अलग तरीका से देख सकते हैं। आपका कंट्री साइड में इसका इम्पैक्ट क्या था, तो कंट्री साइड में कहने का मतलब ये था कि उन्होंने जो था नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट या जो स्वराज की बातें थी उन्होंने थोड़ा एक अलग ढंग से इसको अडॉप्ट किया, ठीक है। अडॉप्ट करने का मतलब क्या था कि उनका अडॉप्टेशन ये था कि जो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट से जो वर्ड एक यूज हुआ बहुत ही वाइडली जिसको हम क्या बोलते हैं स्वराज, वहां पे लोगों ने इस चीज को एक अलग ढंग से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने अडॉप्ट कर दिया कि स्वराज करने का मतलब ये हुआ कि हमारा शासन आ गया, हमारी जमीनें वापस आ जाएंगी, हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, आई बस समझ में। तो ये उनका इम्पैक्ट था और इसीलिए उन्होंने बहुत सारे विरोध करना शुरू कर दिया, जमींदारों के ऊपर हमला शुरू होने लगा और उनसे उनकी जमीन वापस छीन ली जाएगी, ठीक है, जमींदारों से जमीन छीन ली गई। ये बेसिकली कहां पे होता था, तो कंट्री साइड से, ठीक है। दो कहानियां इसमें पढ़नी है, एक आपको पढ़ना है सन्यासी विद्रोह जो आपका था, किनके नाम है, बाबा रामचंद्र देव, ठीक है, रामचंद्र जो थे इनके साथ जो था इनके अंडर में था, जिनमें जो लीजेंट्स मूवमेंट थे दोनों ने रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एबोल्यूशन ऑफ बेगार एंड द सोशल बायकॉट ऑफ द ऑब्जेक्शन लैंडलॉर्ड, ठीक है, इन तरह की उन्होंने बातें की थी, ठीक है, लिख लीजिएगा इसमें कंट्री साइड में। द लीजेंट्स मूवमेंट्स डिमांड रिडक्शन ऑफ द रेवेन्यू, अंडरलाइन कर लो उसी में, पेज नंबर 24 पे है, रिवाइलेशन इन द कंट्री साइड में होगा, देख देना बुक में जो ऑल इन वन यूज कर रहे हैं, ठीक है।
और जो बुक वाइज जो एनसीईआरटी बुक यूज कर रहे हैं उसमें भी देखना, शुरुआत में जो बाबा रामचंद्र देव के नाम के साथ होगा उसमें देखना, उसमें दिया होगा रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, एवोल्यूशन ऑफ बेगार, ठीक है, या सोशल बायकॉट ऑफ ऑब्सेशन लैंडलॉर्ड, तीन वर्ड आप इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो उनका जो मूवमेंट था बेसिकली तीन बात पर डिपेंड करता था कि कंट्री साइड में, यानी कि आज जो भी आपका रेवेन्यू है उसमें रिडक्शन किया जाए। दूसरी बात यह है कि सोशल, जो आपका सोशल बायकॉट जो था, सामाजिक रूप से बहिष्कार होते थे जो गरीब लोगों का, उसको थोड़ा सा डिमोरलाइज किया जाए, उनको भी सोसाइटी समाज में थोड़ा स्थान दिया जाए। और तीसरा ये था कि जो बेगार वो लोग खटते थे, ठीक है, बेगार तो हिंदी वर्ड से ही आपका इन्फ्लुएंस है, यानी कि बेगार करने का मतलब हुआ वर्क विदाउट एनी टाइप्स ऑफ पेमेंट और द वेज, उसको हम लोग बेगार करना, उस चीज को खत्म करना, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इसमें आपका बहुत सारे जो नेता थे वो भी गांव में जाके इन चीज को, अपने बात को प्रमोट किया गया था, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, ठीक है। दूसरा ये था कि ट्राइबल एरिया में दूसरी कहानी आती थी जिसमें नाम आता था अलौरी सीताराम, जिनके अगेंस्ट में क्या हुआ, एक वायलेशन मूवमेंट क्रिएट किया गया था गोरिल्ला वॉर टाइप में, ठीक है, जो ब्रिटिशर के खिलाफ थे उन्होंने, क्या उसको बोल सकते हैं, वायलेंट मूवमेंट क्रिएट किया, दो वर्ड इसमें आ जाएगा। प्लीज, प्लांटेशन वर्कर के लिए जो कंडीशन था, तो प्लांटेशन वर्कर में क्या था कि उनके लिए स्वराज करने का मतलब था कि फ्रीडम फ्रॉम द वर्क, क्योंकि कंडीशन ये बनता था कि जो प्लांटेशन वर्कर थे, ठीक है, उनको बाकी जगहों से ला के प्लांटेशन वर्क जो फील्ड थे वहां पर रख दिया जाता था और वहां पे वो काम करते थे, घर जाने की आजादी नहीं थी, किसी प्रकार की छुट्टी नहीं थी। तो जैसे उनके बाद उनके पास ये बात पहुंची कि स्वराज इंडिया में आ चुका है, स्टैब्लिश हो चुका है, तो उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि वी आर नाउ वेटिंग फ्री, और ये फ्री होने का मतलब ये था कि हम कोई भी काम नहीं करेंगे किसी की अगेंस्ट, किसी के अंडरशिप में, और उन्होंने अपनी काम छोड़ दी और वो घर की तरफ रवाना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यही तीन थॉट देख सकते हैं, टाउन में कंट्री साइड ट्राइबल्स एक साथ आ जाएंगे और आपका प्लांटेशन वर्कर्स, ठीक है। तो टाउन वाले का सिंपल सी वर्ड है कि दे हैव द इन द कंट्री सॉरी इन द टाउन The meaning of non-cooperative movement to not buy the foreign goods, not cooperate to the foreign institutions, ठीक है, इसमें बस यही कंट्री साइड ना, ठीक है, यहाँ पे मीनिंग यही था कि फॉरेन गुड्स को बायकॉट करना है, स्वदेशी सामान को खरीदना है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन को यूटिलाइज नहीं करना है, उनको बायकॉट करना है, क्लियर हुआ, यही इसका इंपॉर्टेंट था। और दूसरा ये था कंट्री साइड में, ठीक है, रिडक्शन ऑफ द सॉरी रेवेन्यू, ठीक है, क्या उसको बोलेंगे, सोशल स्टेटस, क्या उसको बोलेंगे, इक्वल सोशल स्टेटस इन द विलेज, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एवोल्यूशन ऑफ बेगा, ठीक है, इसमें कंडीशन होगा, और आपका प्लांटेशन वर्कर में फ्री फ्रॉम द वर्क, ठीक है, आई बस में, तो यही आप इसके पॉइंट को इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है कि 1922 में एक इंसिडेंट होता है जिसको बोलते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, जिससे कि आपका नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को फाइनली कॉलअप कर दिया गया, बंद कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे एक सिंपल सा बात ये कह सकते हैं कि नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट का समाप्त होने के पीछे चौरी चौरा इंसिडेंट नहीं था, इसके पीछे आपसे रीजन पूछ सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फेलियर ऑफ नॉन कॉपरेटिव, व्हाट आर द कॉज ऑफ फेलियर्स ऑफ नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट, तो इसका बुक में नहीं दिया है, इसको थोड़ा सा लिखो, हाँ उसमें हम बता देते, लिखवाना जरूरी है, ठीक है, चार पॉइंट हम लिखवा देते हैं, उसको आप डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, उसको समझा दे सकते, ठीक है, पहला लिखिएगा, तो जैसे हम लोग पढ़े हुए उसी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए लिखिएगा पहला में, ठीक है, पहला में आप लिख सकते हैं आफ्टर द बायकॉट द फॉरेन गुड्स, आफ्टर बायकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स, पीपल नॉट अफोर्ड टू बाय स्वदेशी गुड्स, ठीक है, पहला कॉज यही था
कि मान के चलिए हमने क्या किया, बायकॉट तो करना शुरू कर दिया फॉरेन गुड्स का, कपड़े जो सस्ते होते थे ज्यादा समय तक चलते थे फॉरेन वाले, खादी जो था महंगा भी था कम समय तक भी चलता था, तो बायकॉट करना शुरू कर देंगे तो उसके लिए हमको सस्ता ऑप्शन रहता तब दो, क्योंकि इंडिया में क्या है गरीबी है ज्यादातर, ज्यादा से ज्यादा पीपल जो थे गरीबी रेखा से नीचे थे या गरीब थे तो वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो लास्ट में उनके पास ऑप्शन क्या बचेगा, फिर से खरीदना शुरू करेंगे। दूसरा लिखिएगा पॉइंट इसमें, ठीक है, लैक ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशंस और द वर्क, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूशंस और वर्क, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। अब मान के चलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने विदेशी कॉलेज को छोड़ दिया तो क्या करेंगे, कितने साल तक घर पर रह सकते, ज्यादा समय तो रह सकते नहीं ना, कहीं ना कहीं उनको पढ़ना ही चाहिए, और हमारे यहाँ पे क्या था देसी स्कूल की कमी अब बहुत ज्यादा थी, ठीक है। दूसरी बात ये थी कि जो वर्कर जो थे जिन्होंने अपने अपने काम छोड़े थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में, उनको क्या किया फिर तो काम करने के लिए क्या करेंगे, वापस आना शुरू कर देंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, उसमें लिखिएगा इट टुक लॉन्ग टाइम, इन non-cooperative movement, the non-cooperation movement, and people seeing no result, and people see no results of this movement. So they no result. So they start. So they start. ठीक है? नहीं. Living the protest, या living movements, starts living movements, ठीक है? क्योंकि मानना ये था कि महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि हमको साल भर के अंदर आजादी मिल जाएगी, स्वदेश मिल जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 साल तक 1.5 साल तक, ठीक है, बहुत सारे मूवमेंट होते रहे, बट लोगों को लगने लगा कि इसका रिजल्टेट अब नहीं आएगा, तो लोगों ने क्या किया धीरे धीरे इस मूवमेंट से अलग अपना शुरू कर दिया, दे गिव अप द देयर होप, ठीक है, उनको होप अब आप नजर नहीं आया कि हाँ हमको कुछ आजादी मिलेगी या स्वदेश मिलेगा, तो उन्होंने क्या किया धीरे धीरे वो मूवमेंट से अलग होते चले गए, क्लियर। और चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा या पांचवा, चौथा, चौथा पॉइंट भी लिखिएगा, ठीक है, द लैक ऑफ यूनाइट व्यू या यूनिट व्यू, लैक ऑफ यूनिट व्यूज ऑन द आइडिया ऑफ नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। अब इसको ऐसे समझ लेंगे कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था, नॉन कोऑपरेशन या स्वराज का जो था, हर किसी के लिए अलग अलग इसका व्यू होना शुरू होता है, तो एक कंबाइंड बोल सकते हैं कि एक कॉमन व्यू नहीं बन पाया लोगों के बीच में कि आखिर नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट है क्या, ठीक है, इसको क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए। बहुत जगहों पे ब्रिटिशर्स का विरोध होने लगा, बहुत जगह देश के अंदर जो जमींदार थे जो आपके बिजनेसमैन थे उनके विरोधी विरोध होना शुरू हो गया, तो एक कंबाइंड व्यू कहीं पे भी नहीं मिल पाया, जो एक कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या यूनाइट बोल सकते हैं या यूनिटी कह सकते हैं, किसी के बीच में नहीं दिखा। ये भी एक कॉज था कि आपका नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट क्या हुआ, अनसक्सेसफुल, क्लियर। तो चार पॉइंट था, लैक ऑफ व्यूज, ठीक है, या कॉमन व्यूज रिगार्डिंग द नॉन कॉपरेटिव या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एंड पीपल हैव नो वन या बोल सकते हैं कॉमन व्यूज, सो दैट दे स्टार्टिंग प्रोटेस्ट इन द वन डायरेक्शन। मान के चलिए यहाँ पे 5 लोग हैं, उन्होंने क्या व्यू अलग अलग है, वो 5 अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, तो क्या होगा, हमारा मूवमेंट जो होगा बढ़ जाएगा ना। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कंट्री साइड में वहां पे लोगों ने जमींदार के खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया, ब्रिटिशर्स के खिलाफ विरोध नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उनका मोटिव बदल रहा है ना, दैट इज ऑल्सो अ लैक ऑफ कॉमन यूनिटी या कॉमन मूवमेंट। तो ये 4 ऐसे कॉजेस थे जहां पे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ये फेलियर हुआ। हाँ तो भी हो सकता है ना, होपफुली जब आपका समाप्त हो गया, होप लोगों का समाप्त हो गया तो वायलेशन के साथ चले जाएंगे, ठीक है। यानी उन्होंने साल भर प्रोटेस्ट करना शुरू किया, साल भर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, उनको अंदर ये वायलेशन आना शुरू हो गया, और इसी वायलेशन का नतीजा था कि एक इंसिडेंट होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, जिसको ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने अपने मूवमेंट को क्या कर दिया, बंद कर दिया, कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है।
तो अब यहाँ से आता यह है कि अब उन्होंने मूवमेंट तो बंद कर दिया, बट उनके पास ये भी आइडिया था कि अब हमको एक नया मूवमेंट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक सिंपल सी बात है कि एक कंबाइंड व्यू करनी पड़ेगी और लोगों को समझाना पड़ेगा कि मूवमेंट क्या है, किस तरह से विरोध करना है, क्या हमारी थॉट होनी चाहिए। और इसी की प्लानिंग करने के साथ साथ एक नया मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट, जिसके बीच में लगभग आप देख सकते हैं तो 8 साल का गैप था। ठीक है, अब इस 8 साल में बहुत सारे छोटे छोटे इंसिडेंट भी हो चुके थे, जिसमें आप देखेंगे कि नई पार्टियां भी बनी कांग्रेस में, व्यूज जो थे डिवाइडेशन भी हुए कांग्रेस में, देख सकते हैं कि नई पार्टियां भी बनी, जैसे कि स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और एनसी केलकर जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू उन्होंने अलग व्यूज बनाया। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग डिवाइडेशन होने शुरू होते हैं, और फिर क्या होता है कि कंबाइनिंग 1930 में, ठीक है, 1930 में नया मूवमेंट क्रिएट होगा, सिविल डिसोबिडिएंट। तो देख सकते हैं सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट से पहले और 1922 के बीच में बहुत सारे इंसिडेंट हो गए, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, एक पूर्ण स्वराज पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, जहाँ पे डिमांड्स ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है, टेक प्लेस लाइक इन द कांग्रेस सेशन, सॉरी लाहौर कांग्रेस सेशन 1929, ये इम्पोर्टेंट होगा। एक होगा आपका साइमन कमीशन, दो टॉपिक इसमें इम्पोर्टेंट है, और तीसरा था ये आपका कांग्रेस का डिफरेंट व्यूज। क्लियर आएगा समझ में? चलिए तो देख सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है डिफरेंट व्यू विथ इन द कांग्रेस। यहाँ पे दो वर्ड आपका इंप्रूवमेंट होगा कि जो कांग्रेस के अंदर व्यूज बदले कैसे, तो कांग्रेस के अंदर जो भी नेता थे उनके दो व्यूज थे, एक जो व्यूज था ये था कि हमको अपना प्रोटेस्ट क्या करना चाहिए, एज अ सीक्वेंस उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, हम उस चीज को क्या करेंगे, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट में, जैसे नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट में, हम उसके खिलाफ अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और जो दूसरा व्यू था उनका मतलब ये था कि हम पॉलिटिकली इंटरफेरेंस करके हम अपने डिमांड को मनवाने पे मजबूर करें। ठीक है, तो पॉलिटिकली चूज करने का मतलब ये था कि वहां पे क्या था, देख सकते हैं ना, ड्यूल पॉलिसी थी हमारे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है, ड्यूल गवर्नमेंट थी ना, ड्यूल गवर्नमेंट में क्या था, लोकल लेवल में बहुत सारे छोटी छोटी पावर के साथ लोकल गवर्नमेंट को अलाउ किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरा क्या था कि सेंटर में जो मेन पावर था किसके पास था, ब्रिटिश के पास। तो महात्मा गांधी, सियादास मोतीलाल नेहरू और एनसी केलकर के कंबाइन ग्रुप के साथ उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, स्वराज पार्टी, जिसका मोटिव ये था कि हमको इलेक्शन में भाग लेना है, और भाग लेने के बाद, जीतने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने डिमांड को अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं और अपनी बात को हम लोग मनवा सकते, दो बात था। और बाकी जो नेता थे उनका ये मानना ये था कि हम अपने प्रोटेस्ट को एज यूजुअल चालू रखेंगे या उसको कंटिन्यू रखेंगे, जिससे कि हमको कहीं ना कभी क्या होगा, इंडिपेंडेंस मिल जाएगा। इसी बीच में एक नया इंसिडेंट होता है, जब आपका 1928 में साइमन कमीशन आता है, 1928 में साइमन कमीशन आता है। तो ये साइमन कमीशन क्या, ठीक है, साइमन कमीशन 1928 में साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन एक इंप्लीमेंट ये था कि जैसे आप देख सकते हैं कि ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट जो थी उनके पास क्या था, लिखित रूप से कोई भी नियम कानून नहीं होते थे, वो आज भी देखेंगे उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनली रिटेन कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं होते हैं, वो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, कुछ सर्वे करते हैं या उनके अंदर कमीशन बैठाई जाती है डे टू डे लाइफ में, उसके अराउंड में देखा जाता है, और जो भी रूल्स रेगुलेशन बदलने की बात होती वो बदल देते हैं। तो इंडिया में भी आप देखिएगा कि 1773 से, ठीक है, जब इंडिया में एक्ट शुरू हुए थे, कानून बनाने की प्रथा शुरू हुई थी, उस समय टाइम टू टाइम क्या होते थे, कमीशन्स आते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, कुछ इंप्लीमेंट जो कानून व्यवस्था में करना होता था वो कर देते थे। इसी के अंडरशिप में क्या होता है कि सर जॉन सिमंस होते हैं, उनके अंडरशिप में एक क्या होता है कि कंबाइंड ग्रुप आता है जिसको साइमन कमीशन कहा गया था। इनका मोटिव ये था कि इंडिया में गवर्नेंस को कैसे इंप्रूव किया जा सके, लोगों को कैसे सुविधा बढ़ा सके, या क्या क्या इंप्लीमेंट किया जा सके, इन्हीं के ऊपर इनको एक रिपोर्ट देनी हुई थी किनको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है, इनकी कमेटी आई। तो यहाँ पे जैसे साइमन कमीशन इंडिया में आया, इसका विरोध होना शुरू हो गया।
तो यहाँ पे दो कंडीशन थे, यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज करेंगे, व्हाट इज द साइमन कमीशन एंड दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा व्हाई द इंडियन पीपल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना क्यों शुरू कर दिया? क्या इंडियंस उसमें कमिटी मेंबर में नहीं थे, जिससे लोग इंडियन को ये लगे लगा कि ये हमारे लिए अच्छे नियम कानून नहीं बना सकते, इसलिए इनका विरोध करना शुरू हुआ। ठीक है, बट कंडीशन ये था कि साइमन कमीशन को, ठीक है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी और इसी के साथ उन्होंने क्या कर दिया कि एक डोमिनेंट, ठीक है, डोमिनेंट स्टेट प्रोवाइड करना इंडिया को शुरू कर दिया। यानी इंडिया के सामने ये प्रपोजल रखा कि हमको एक डोमिनेंट स्टेट प्रोवाइड कर, यानी कि लोकल लेवल पे आप अच्छे से शासन कीजिए, हम उसमें कुछ डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, पर सेंट्रल पावर हमारे पास रहेगी। डोमिनियन स्टेट का एक प्रमिशन इंडिया को दिया गया। तो यहाँ पे कांग्रेस ने उस चीज को क्या कर दिया, मना कर दिया, यानी कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द क्या उसको बोल सकते हैं डोमिनियन स्टेट, यानी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उन्होंने क्या किया कि 1929 में, देखिए 1929 में क्या होता है कि कांग्रेस सेशन जो हर साल होती थी, 1929 में भी कहां पे, लाहौर, ठीक है, और लाहौर में क्या होता है कि वहां पे उन्होंने डिमांड रखी कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक द डोमिनेंट स्टेट्स, अब फ्रॉम नाउ वी आर प्रोटेस्ट फॉर आवर फुल इंडिपेंडेंट और द पूर्ण स्वराज। ठीक है, यानी अब हमको डोमिनेंट स्टेट भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहले डिमांड होती थी कि हमको थोड़ा बहुत आप पावर दे दीजिए, हम अपनी क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट्स को धीरे धीरे लागू करेंगे। अब क्या था कि हमें अब थोड़ी बहुत नहीं चाहिए, हमको पूर्ण गवर्नेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए 1929 में क्या कर दिया गया, ठीक है, कांग्रेस सेशन में इस चीज को पारित कर दिया गया कि वी हैव टू फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज, और नाउ फ्रॉम हियर वी आर लाइक अ फुल इंडिपेंडेंट। ठीक है, और इसी को ध्यान में रखने के वो क्या हुआ कि 1930 को एक फ्लैग होस्ट किया गया था, कब, 26 जनवरी, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, वही पे क्या होता है कि फ्लैग होस्टिंग की जाती है और यहाँ पे मान लिया गया कि इंडिया इज नाउ बिकम द फुल्ली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और हम अब उसी के हिसाब से फाइट करेंगे। ठीक है, उसी के साथ क्या होता है कि 1930 में मार्च के समय में, ठीक है, कुछ समय के डिमांड में, यानी कि 11 मार्च की लास्ट हेटिंग के साथ महात्मा गांधी ने अपनी कुछ डिमांड उस समय के जो वायस राय थे, ठीक है, लॉर्ड इरविन, उनके समक्ष रखा कि हमारी कुछ मांगों को पूरा किया, अगर आप मांग हमारी ये नहीं मानेंगे तो हम अपना एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और इस मूवमेंट का नाम था सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट। क्लियर हुआ? तो यहीं पे क्या होता है कि तीन आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुए, जिसका कोई भी नतीजा नहीं निकला, जिसमें से सिर्फ दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1930, 1931 और 1932, ठीक है, तीन हुए थे। 1913 में बातें को नहीं माना गया, डिमांड नहीं माना गया। ठीक है, 1931 में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में कुछ समझौते हुए थे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग नाम देते हैं कौन सा, गांधी। ठीक है, और लास्ट में फिर उनकी डिमांड जब अनसक्सेसफुल हो गई, उनकी पूर्ण बातों को नहीं माना गया। ठीक है, तो वहां पे तीसरे में क्या होता है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आएगा, ये तीन चीज आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ज्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, एक राउंड टेबल पे ऑर्गेनाइज किया गया था, कहाँ पे, लंदन में, जहाँ पे इंडिया के बहुत सारे मेंबर वहां पे पहुंचे थे, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां थी, मुस्लिम लीग के कुछ कैंडिडेट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस समय पहुंचे थे, कांग्रेस की तरफ से भी पार्टिसिपेशन किया था, सिर्फ और सिर्फ 1931 में, उसके पहले दो पार्ट में लिया गया था। बहुत सारे जो राजा महाराजा थे उनको इन्विटेशन मिला था, कुछ जो थे कमेटी जो थे मेंबर्स ब्रिटिशर्स के थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने कंबाइनली क्या किया था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था, जिसका मकसद ये था कि इंडिया में जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट थे उसको क्या करना, खत्म करना। क्लियर, तो देखते हैं कि हमारे यहाँ पे अब स्टार्टिंग होती है कौन सी, तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट।
civil disobedience. तो देखिए सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट का स्टार्टिंग कैसे हुआ, किस इंसिडेंट के साथ ये सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ? सॉल्ट मार्च। तो महात्मा गांधी ने सॉल्ट को क्यों चुना, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन कभी कभी आता है, व्हाई द महात्मा गांधी चूज सॉल्ट, ठीक है, एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है, क्यों? एक तो मोनोपोली तो बात तो सही है, दूसरा ये था ये कॉमन नीड है पर्सन्स की, ठीक है, जिसपे की ब्रिटिशर्स के पास मोनोपोली था कि वही क्या करेंगे, गवर्नमेंट को फॉर्मेशन करेंगे, ठीक, तो ये सॉल्ट बनाएंगे और उस पर टैक्स को ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो एक ऐसा कॉमन मुद्दा था जिसे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने अडॉप्ट किया कि इस पे सारे के सारे लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइंड हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया कि अपने 78 फॉलोअर के साथ 12 मार्च 1930 को, ठीक है, साबरमती आश्रम से एक मार्च ऑर्गेनाइज किया जो कि दांडी पे पहुंच के, ठीक है, दांडी पहुंच के कोस्टल एरिया जो है गुजरात की, वहां पे उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाया और सॉल्ट मार्च को क्या किया, थोड़ा यहां तक सिर्फ आप लोग पढ़ रहे हैं, बट इस मूवमेंट को बहुत जगह और जगह भी ऑर्गेनाइज किया गया था, पटना में भी ऑर्गेनाइज किया गया था, बिहार में भी बहुत जगह ऑर्गेनाइज किया गया और अलग अलग स्टेट्स में भी इस मूवमेंट को एज अ सिंबल की तरह ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, और ये मूवमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ 1930s, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कैसे स्टार्ट होता है इसको देखेंगे, तो इसमें भी तीन टॉपिक आता है कि फॉरेन गुड्स का बायकॉट हुआ, लिकर शॉप जो थे उनको पिकअप कर दिया गया, उनको लूटपाट की गई, दूसरा ये था कि जो प्रेजेंट्स थे उन्होंने पे या रिवेन्यू जो थे रिवेन्यू या टैक्स देने से मना कर दिया, दूसरा ये था कि जो विलेजर ऑफिसर जो रिसाइन हुए थे, ठीक है, और तीसरा ये था कि जो भी आपके फॉरेस्ट पीपल्स वायलेशन फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, मेनी प्लेस पीपल स्टार्ट वायलेटिंग द फॉरेस्ट लॉ। देखिए अब सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि ब्रिटिशर्स के बनाए गए लॉ को नहीं मानना, बहुत सारे लोग खास करके टैक्स पेमेंट वाले इशू, इसका मेन मोटिव यही था। तो देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल सी बात है, फॉरेन गुड्स को तो बायकॉट कर रहे हैं, हम आपका काम कर रहे हैं या आपके इंस्टीट्यूशन की यूटिलाइज भी कर रहे हैं, बट आपके द्वारा बहुत सारे जो बनाए गए रूल्स रेगुलेशन है हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, मेन मुद्दा यहाँ पे था, जैसे कि टैक्स नहीं पे करना, फॉरेस्ट लॉ जो बनाया गया था जिसमें क्या किया गया था, लोगों को फॉरेस्ट से दूर रखा जाता था, आप लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़े हुए हैं क्लास 9 में, था ना फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि लोगों को क्या किया गया, समुद्री फॉरेस्ट से दूर कर दिया गया, हाँ, तो उसको वायलेशन किया गया, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने फॉरेस्ट में अंदर घुसना शुरू कर दिया और उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू कर दिया, लोगों ने रेवेन्यू देना बंद कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पे वायलेशन होते हैं, ठीक है, तो अब बहुत जगहों पे वायलेशन होने के कारण क्या होता है कि 1931 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसऑबिडेंट मूवमेंट को क्या कर दिया, ठीक है, स्टॉप कर दिया आफ्टर द गांधी इरविन पैक्ट। इसमें यह था कि बहुत सारे गांधी इरविन पैक्ट में समझौते हुए थे कि जो भी लीडर्स जो थे, क्या उसको बोलेंगे, जिनको कैद किया गया था उनको छोड़ दिया जाए, ठीक है, बहुत सा, हाँ, 11 डिमांड जो बात थी उनको माना जाए, इसी के भरोसे पे उन्होंने क्या कर दिया, सिविल डिसोबीडिएंट बंद कर दिया, बट बाद में जब ये मूवमेंट बंद होता है तो उनकी बातों को नहीं माना गया, ठीक है। तो इसलिए कहा गया था कि जब उन्होंने 1931 में, ठीक है, 1931 में सेकेंड डाउन टर्न वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने पार्टिसिपेट किया था, उनकी बात वहां की बात नहीं मानी गई, उनके बीच में मतभेद हो गए थे ब्रिटिशर्स और महात्मा गांधी के बीच में, जो कि महात्मा गांधी कांग्रेस के लीडर के रूप में वहां पे गए थे, और वहां पे आने के बाद महात्मा गांधी ने फिर से क्या कर दिया, मूवमेंट को रिलॉन्च किया 1932 में, ठीक है। तो 1932 में जैसे उन्होंने मूवमेंट यहाँ पे रिलॉन्च किया, ठीक है, तो यहाँ के बीच में 1932 में एक और इंसिडेंट होता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में एक इंसिडेंट होता है जहां पे भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, अपनी एक डिमांड रखी, कौन सी, द सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द, ठीक है, फॉर द दलित, ठीक है, उन्होंने एक अलग डिमांड मांगी और इसी को तुरंत क्या किया गया, मान लिया गया। अब महात्मा गांधी ने इसी के अगेंस्ट में क्या कर दिया, प्रोटेस्ट करना
शुरू किया और प्रोटेस्टेशन इसलिए था कि वी आर नॉट डिमांडिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, और उन्होंने आंसर करना शुरू कर दिया। लास्ट में क्या होता है, भीमराव अंबेडकर को अपनी बातों को वापस लेना पड़ा, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बातों को नेगलेक्ट करना पड़ा, और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या होता है, कौन सा एक पैक्ट होता है, पूना पैक्ट। तो यहाँ पे ये भी पूछता है व्हाट इज पूना पैक्ट या व्हेन डिड द पूना पैक्ट टेक प्लेस। तो यहाँ पे पूरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दो चीज इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, कौन कौन सा, गांधी इरविन पैक्ट, पूना पैक्ट। एक इंपॉर्टेंट होगा इन विच द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी टू टू पार्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, 30, 31, 32, याद रखिएगा 30, 31, 32, ठीक है। फर्स्ट राउंड टेबल कांग्रेस कुछ नहीं हुआ, उसमें पहला जो डिमांड था उसको नहीं माना गया था, कांग्रेस ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, दूसरा में पार्टिसिपेट किया तो बात नहीं बनी, तीसरा में फिर पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, बट बाकी जो मेंबर थे इंडिया के बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तीनों में, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है, ठीक है, हु टुक पार्ट इन द ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, भीमराव, उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फॉर्मेशंस, सॉरी ये क्या पार्टिसिपेशन किया था, ठीक है। फिर इसमें भी एक वही क्वेश्चन आएगा फिर आप सब, ठीक है, द मीनिंग ऑफ मूवमेंट इन डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, महात्मा गांधी जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं चाहेगा, तो भीमराव अंबेडकर उस चीज को मान गए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे आता है मीनिंग ऑफ मूवमेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप, जो डिफरेंट ग्रुप थे उनके लिए मूवमेंट या बोल सकते हैं इस पूरे मूवमेंट का मीनिंग क्या था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें बढ़ जाएगा, इसमें पांच ग्रुप के बारे में बात किया गया है। पहला ये था कि जो आपके रिच रिलीजन जो थे कंट्री साइड में, ठीक है, कम्युनिटी लाइक द पटीदार ऑफ द गुजरात, जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर द इंस्टीट्यूशन सपोर्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, दे ऑर्गेनाइज देयर कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट इन बायकॉट प्रोग्राम। पहला क्या था कि जो भी बड़े बड़े जो जातियां जो थी उन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जो पहले नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, पहला यही था, जैसे कि बहुत सारे जो रिच प्रेजेंट थे उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। दूसरा ये था, ठीक है, कि जो पुअर पीपल जो थे जिनको अपना रेंट नहीं पे कर सकते थे, ठीक है, उन्होंने इस मूवमेंट को भी ज्वाइनिंग करना शुरू कर दिया, जैसे लैंडलेस लेबर जो थे, ठीक है, या जिनके पास कम अमाउंट में लैंड थे बट रेवेन्यू ज्यादा देना पड़ता था उन्होंने भी इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया। दूसरा ये था कि इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए डायरेक्टली, ठीक है, अब समझ में, तीन में पार्टिसिपेशन हो गया, पहला किसका, रिच प्रेजेंट्स, दूसरा था आपका पुअर पीपल्स, तीसरा आपका इंडस्ट्रियलिस्ट, तीन का व्यूज आ गया। चौथा ये था कि जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर जो थे, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं, इंडस्ट्रियल वर्कर, उन्होंने भी क्या किया कि पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, आपका चौथा हो गया। और पांचवा ये था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था वुमेन का पार्टिसिपेशन, ठीक है, यानी ये मूवमेंट में वुमेन्स ने बहुत जगह पे पार्टिसिपेट किया, एक लार्ज अमाउंट में पार्टिसिपेट किया था जिसका इम्पैक्ट बहुत अच्छे से हो पाया, ठीक है। तो दूसरी बात ये थी कि इसका कुछ ना कुछ क्या था, लिमिटेशन भी थे, ठीक है, तो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, क्लियर, तो लिमिटेशन क्या बनेंगे इसमें, ठीक है, कोई बताएगा, देखिए यहां पे दो ही आपको वो सकता है लिमिटेशन था, ये था कि इस पूरे मूवमेंट में दो लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया, एक था लोअर क्लास पीपल, नहीं लोअर क्लास पीपल लाइक दलित, ठीक है, उन्होंने अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया था ड्यू टू अनटचेबिलिटी, जो सोसाइटी में हमारे साथ मतलब जो हमारे लिए क्रश के ये क्या उसको बोलते हैं कर्ज के तो समान था, श्राप जो था हमारे यहाँ, क्योंकि जो हायर मेंबर जो पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने लोअर क्लास को अपने साथ कंबाइन करना अच्छे ढंग से नहीं समझा था,
ठीक है, तो वो धीरे धीरे वहां पे अलग होना शुरू होते हैं। लोअर क्लास पीपल जो थे उन्होंने पूरे अच्छे ढंग से पार्टिसिपेट नहीं किया। और दूसरा ये था कि यहाँ पे मुस्लिम लीग थोड़ी बहुत अलग होना शुरू होती है, ठीक है, क्योंकि यहीं पे बात होती है ना कि जो सेपरेट होना, फूट डालो राज करो की नीति यहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से मानी गई, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उस समय उन्होंने जो कुछ डिमांड रखी थी उस डिमांड को क्या किया गया, बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होना शुरू होता है। दूसरा कॉज ये माना गया था कि जो मुस्लिम समुदाय थे ये मानते थे कि कांग्रेस जो पार्टी है बेसिकली हिंदू पार्टी है, ठीक है, और बड़े बड़े जो बड़े कास्ट के पीपल थे वही इसके ऊपर डोमिनेंट हो रहे हैं, तो वहां पे उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेपरेट होना शुरू हो रहा है। यहाँ पे दोनों लिमिटेशन आपका आएगा, ठीक है, जो कि आप दिल लिख सकते हैं। तो इसीलिए यही पे महात्मा गांधी ने क्या कहा था, हरिजन वार्ड दिया था, द सन ऑफ गॉड, जो हरिजन वार्ड दिया गया था दलित के लिए, जिसका मतलब था द चिल्ड्रेन ऑफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ही चीज था, क्लियर, सिंपल सी बात है। एक वार्ड आप किस चीज के लिए लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, दलित के लिए, और दूसरा आप लिख सकते हैं इमिटेशन जब पूछेगा तो बस दो ही बात होगा, ठीक है। अब आएगा स्टैंड ऑफ द दलित लीडर्स और हिंदू मुस्लिम क्लैश जो होगा, ठीक है, और सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, तीन टॉपिक है, इस चीज को यही पे आज खत्म करते हैं, ठीक है, इस चीज को हम लोग कल देख लेंगे, क्लियर। बस लास्ट एक टॉपिक बचा हुआ, स्टैंड ऑफ दलित लीडर्स, कल समाप्त भी हो जाएगा, उसमें कुछ खास नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कॉलेज से भी तो आते आ रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, आ जाना है, बुक को पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर पूछना है, अपना ही क्वेश्चन आंसर पहले पढ़ोगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। और इसमें आपको दो चीज याद रखना है कि आपका देखिएगा टाइमलाइन, टाइमलाइन में कल इम्पोर्टेंट जो होगा, दूसरी बात यह है कि आप मैप पे कल आप लोग कुछ लिख के लाएंगे बना के, ठीक है, मैप, ठीक है, मैप हम लोग कल भी देखेंगे, कल ही मैप देखेंगे, तो लिख लीजिए कौन कौन मैप में इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है, पुरानी वाली बुक देना है, पुरानी वाला बुक, चलिए लिखिएगा टॉपिक जो मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, ठीक है, कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन सितंबर 1920, दिसंबर 1920, 1927 और 1929, ठीक है, लिख दे रहे हैं, सितंबर 1920, दिसंबर 1920, उसके बाद आएगा आपका कांग्रेस सेशन 1927 और तीसरा आएगा आपका 1929, चार इंपॉर्टेंट है इसमें कांग्रेस सेशन में। हाँ, यही प्रॉब्लम है कि इसी में आपको प्लेस याद रखना है। अभी पढ़े थे ना सितंबर 1920, कहाँ पढ़े थे हम लोग, कलकत्ता, ठीक है, कहाँ पढ़े थे, कलकत्ता, दूसरा 1920 में नागपुर, कहाँ पे है, महाराष्ट्र, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, 1927 मद्रास, ठीक है, 1927 मद्रास, और 29 में आपका आएगा लाहौर, ठीक है, पाकिस्तान, एकदम आप इसके बगल में लिखेंगे, अमृतसर के बगल में। एक और आपका आता है इसमें, अच्छा इंसिडेंट में आ जाएगा, ठीक है, चलिए उसके अलावा इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ, ठीक है, नेशनल इंडियन, सॉरी इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, दूसरा में आप क्या लिखेंगे, नेशनल मूवमेंट में लाइक चौरी चौरा, चौरी चौरा, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, तीनों सत्याग्रह का नाम लिखिएगा पहले, ठीक है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, जालियावाला बाग इंसिडेंट, अमृतसर, ठीक है, चौरी चौरा तो लिख चुके हैं, डांडी, डांडी, ठीक है, इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है इसमें, ठीक है, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, तीन, ठीक है, कितने हुए, तीन आपका सत्याग्रह से रिलेटेड।
उसके अलावा नॉन कॉम्पिटिटिव मूवमेंट जो था नॉन कॉम्पिटिशन में, उसमें आपका एक इम्पोर्टेंट था कौन सा, चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में होगा। उसके अलावा आप देखेंगे सिविल डिसऑबिडियंट मूवमेंट, तो सिविल डिसऑबिडियंट में भी दो इम्पोर्टेंट है, साबरमती आश्रम ठीक है, दूसरा आपका डांडी, जो दोनों आपका गुजरात में ही होगा, एक अहमदाबाद में और एक डांडी, दो इम्पोर्टेंट हो गया इसमें। और एक था आपका जालियांवाला बाग इंसिडेंट ठीक है, अमृतसर, ये इम्पोर्टेंट नहीं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड में चला गया, वर्ल्ड आपसे मैप नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको इंडियन मैप पूछना है, पूछेगा इंडियन मैप भी आपका ज्योग्राफी से भी और इंडियन मैप हिस्ट्री से भी, तो ये इम्पोर्टेंट लाहौर कांग्रेस है सर, तो लाहौर कहाँ पे, अमृतसर के जस्ट बगल में, उसको लिख देना ठीक है। तो कल आप मैप किस चीज को देख के आएंगे, मैप इम्पोर्टेंट है या कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्लियर।